हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग मेरी जो रनिंग की डेली की वीडियो होती है वो आज आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गया था तो मैं आज रनिंग करने नहीं गया था। क्योंकि भाई इस टाइम पे वायरल फीवर चल रहा है तो मैं फिज़िकल करने आज नहीं गया था, लेकिन कल से फिर अपने टाइम से रेगुलर टाइम से जाऊंगा और फिज़िकल के ऊपर जो मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ वो डेली अपलोड करूँगा, ठीक है, और उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देता रहूँगा। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर फिज़िकल करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिज़िकल करना स्टार्ट कर दो। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ, मतलब फिज़िकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है फॉर बॉयज़? बॉयज़ के लिए फिज़िकल कट ऑफ मेरे हिसाब से यार 190 तक ही रहेगी, ठीक है। जो EWS से बिलोंग करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ 190 के आसपास ही रहने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो, जिनका भी नंबर इसके आसपास बन रहा है वो लोग फिज़िकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये फिज़िकल की जो, मतलब फिज़िकल जो होता है ना, गर्मी का टाइम भी है और गर्मी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिज़िकल करने में। आप लोग देख ही रहे हो, मुझे एक हफ्ते हुए, वन वीक हुए फिज़िकल करते करते, भाई बीमार हो गया हूँ। आप लोग भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब फिज़िकल करने का टाइम लगे आप लोग बीमार हो जाओ या कुछ भी हो जाए। इससे अच्छा है पहले से फिज़िकल प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है फिज़िकल करने में ना भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग प्रयागराज से हैं तो ये मेरा एक फिज़िकल ग्राउंड है यहाँ पे तेलियरगंज में, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। वहाँ पे मेरे हिसाब से यार लगभग 1000 से 1500 के आसपास लड़के उसमें फिज़िकल प्रिपरेशन करते हैं। आपको वहाँ पे आके भाई फिज़िकल करने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी, क्योंकि मैं वहीं से डेली फिज़िकल करता हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार SSCGD का एग्ज़ाम दिया है, उसमें अपना फिज़िकल प्रिपरेशन किया था और यही वाले ग्राउंड से, और मैंने दोनों बार फिज़िकल अपना निकाल लिया, ठीक है, क्वालिफाई कर लिया था। भाई मैं SSCGD के फाइनल में छटा हूँ 2 बार, इस बार भी SSCGD में मेरे 156 मार्क्स आए हैं और यूपी पुलिस में भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई फिज़िकल पहले से प्रिपेयर रहो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिज़िकली जो प्रिपेयर रहता है भाई ना, उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो भाई फिज़िकली प्रिपेयर रहता है उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है और वो एग्ज़ाम्स के बाद में फिज़िकल क्वालिफायर कर लेता है, बस केवल उसको मेडिकल और फाइनल मेरिट की वेट रहती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भाई थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो भी फिज़िकल करना स्टार्ट नहीं किए हैं वो फिज़िकल करना स्टार्ट कर दो। और आप लोग तो मुझसे जुड़े ही हैं और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं फिज़िकल करने भाई डेली जाता हूँ। मेरा 4 डे का ब्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है और आप लोग ना देखे हो तो उसको जाके देख लें प्लीज़, ओके। और भाई मैं आपको बता दूं कि यार एक लड़की का मेरे पास कल कॉल आया था, वो बोल रही थी यार भाई कि भैया प्लीज़ हमें थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए, क्योंकि मेरे 175 मार्क्स हैं और मैं SC से बिलोंग करती हूँ। मैं रनिंग करने जाती हूँ तो गाँव के लड़के मुझे देखते हैं, मुझे गलत कमेंट करते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा देखो, जो गांव के लड़के होते हैं वो थोड़ा सा छिछोरे टाइप के होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग को थोड़ा सा परेशान करेंगे और थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आपका नहीं होगा, आप क्यों दौड़ रही हो, ऐसा वैसा बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भाई बचने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग अपने मम्मी, मतलब कि आप लोग अपने पापा के साथ में या भाई के साथ में ही फिज़िकल करने जाएँ, ठीक है, ताकि आपको लड़के, गाँव के लड़के कुछ बोल ना पाएँ, ओके। और हाँ, बात करते हैं फिर उस लड़की को मैंने समझाया कि देखो बहन, आप प्लीज़ फिज़िकल डेली करो, जो बोल रहा है बोलने दो, ओके। जब आप लोग सिलेक्शन ले लोगे ना तो जो बोलने वाले हैं वो खुद ही नहीं बोलेंगे, वो खुद ही आपका सपोर्ट करेंगे कि हाँ देखो मेरे गांव की एक लड़की यूपी पुलिस में हो गई। और मेरे पास भाई एक का मैसेज आया था कि वो बोल रही थी कि भैया मैं अपने गांव से पहली लड़की हूँ जिसका इतना ज़्यादा नंबर आया है और मेरा चांस भी है इस बार यूपी पुलिस में, तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला कि देखो बहन, फिज़िकल कभी भी हो सकता है, अब या चाहे अभी हो जाए 2 महीने पहले या 2 महीने बाद हो, इससे अच्छा है कि आप लोग फिज़िकल पहले पे प्रिपेयर रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। उसने कहा भैया आज तक जितने भी मैंने यूट्यूबर से बात किया है सबसे अच्छा आप ही लगे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा हम लोग के बारे में सोचते हैं और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका चैनल भाई बहुत ही, मैं लगभग 2-3 महीने से देख रही हूँ और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिला फाइनली, तो मैंने आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, मैं आपसे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्टैक्ट में रहना चाहती हूँ तो ठीक है, बस हाँ क्योंकि मैं भी फिज़िकल, मतलब कि मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरे पास हमेशा कॉल मत करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा। जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हाँ सर, मतलब भैया से बात करके ही ये मैटर सुलझाया जा सकता है तो कॉल भी कर लेना। तो उसने कहा ठीक है भैया, थैंक यू, आपके जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन बात है, कि आप मेरे भाई जैसे ही हो और आप मेरे पिता समान और भाई समान ही आप मुझे सजेशन देते हो। तो मैंने कहा ठीक है बहन,
आपके लिए मैंने इतना कर दिया, ये मेरी बहुत खुशी की बात है कि कोई मुझसे सजेशंस ले रहा है और मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर पा रहा हूँ और उसको अच्छे रास्ते पे उसको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हो और मेरे चैनल पर ट्रस्ट करते हो, आप लोग अपना प्यार मेरे चैनल पर दिखाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा भैया थैंक यू, आपसे मैं हमेशा कांटेक्ट में रहूँगी। हम कहे ओके ओके। और फिर उसके बाद एक लड़की का और मैसेज कॉल आया था कि भैया मेरी शादी हो चुकी है, मैं क्या फिजिकल कैसे करूँ, मेरे ससुराल वाले रोक रहे हैं कि जब इसका डेट आएगा फिजिकल का तब मैं आप फिजिकल करना, तो मैं क्या करूँ भैया, आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए। तो मैंने कहा देखो बहन, आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आप अपने पति के साथ में या हस्बैंड के साथ में या कोई भी हो किसी के साथ में आप लोग या मायके चले जाइए, अपने घर वालों के साथ में, पापा के साथ में या भाई के साथ में फिजिकल करना मत छोड़ो, क्योंकि शादी करने के बाद लड़कियाँ थोड़ा सा नाजुक सी हो जाती हैं, वो फिजिकल प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले से फिजिकल प्रिपेयर रहो, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, कम से कम 2.5-3 महीने हैं, तो इससे अच्छा पहले से प्रिपेयर रहो तो ज़्यादा सही रहेगा। जितने भी गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकल करने में, ठीक है, तो वो पहले से प्रिपेयर रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसने कहा भैया थैंक यू मोटिवेट करने के लिए, और मैं अब डेली से मतलब कोई भी कुछ भी कहे मैं डेली फिजिकल प्रिपेयर करूँगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सजेस्ट किए। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे सजेशन से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और आप फिजिकल करेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसा ही रहा है आज का मेरा टाइम यही रहा है, आज मैं खुद ही फिजिकल नहीं कर पाया हूँ, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं सोचा कि एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँ अपने चैनल पर, क्योंकि सुबह मैं वीडियो पढ़ नहीं पाई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है, और अपना एक पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करता रहूं। ओके, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डे पे और नेक्स्ट अपने रनिंग ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।